हेलो दोस्तों, नितिन फोटोग्राफी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मेरा नाम है नितिन। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं कि हम मल्टीपल इमेजेस को एक पीडीएफ फाइल में कैसे बनाते हैं। यह कभी कभी काफ़ी काम में आ जाता है, कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन जो लोगों को पता नहीं है यह वीडियो उनके लिए है। तो आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं यह। बहुत सारी यानी 100-150 इमेजेस को एक पीडीएफ फाइल में बना लेते हैं और उसे हम इजीली अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जनरली अभी डॉक्यूमेंट्स फाइल शायद 100 MB के अंदर लेता है, वो एक्सेप्ट करता है। तो हम इसे 80 MB के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा हाई क्वालिटी लो क्वालिटी में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने डेस्कटॉप पे दो फोल्डर बनाया है, एक ये इमेजेस की फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर यहाँ पर मेरी 96 इमेजेस है, और सेकंड फोल्डर है ये पीडीएफ, ये खाली है फोल्डर पूरा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जो अपन पीडीएफ बनाने वाले हैं वो इसके अंदर मैं सेव करने वाला हूँ। तो हम चलते हैं अभी फ़ोटोशॉप में। यहाँ मैंने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया, अपना टाइम बचा है इसके लिए, और यहाँ से चलेंगे हम फाइल में। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप ऑटोमेट ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है पीडीएफ प्रेजेंटेशन का, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन फिर ये विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगा, फिर हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे जाने के बाद मैं सीधा चलता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ये इमेजेस फोल्डर मैंने बना के रखा है, यहाँ पर कुछ सैंपल्स फ़ोटो रखे हैं। तो ये मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्ट ऑल, ये पूरी इमेजेस सिलेक्ट हो गई। और यहाँ सिंपली आपको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरी इमेजेस जो है यहाँ पर आ चुकी है पूरी 96, और ये बाय नेम अरेंज हो चुकी है। यहाँ देखेंगे 700, 701, 702, ऐसे बाय नेम अरेंज हो चुकी है। आप चाहे तो इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे जो भी करना चाहें कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब राइट साइड में देखते हैं, हम आउटपुट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। तो मुझे क्या है, मल्टीपल पेजेस डॉक्यूमेंट्स बनाना है, एक ही पेज नहीं बनाना है। तो मल्टीपल इमेजेस भी है मेरे पास, तो हम यही सेव एज टाइप यही रखेंगे, प्रेजेंटेशन को चेक नहीं करेंगे। बाकी अगर आप इधर और कुछ भी करना चाहते हैं, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन वगैरह, ऑथर का नाम, टाइटल वगैरह, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बाकी मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे ये पीडीएफ फाइल सेव कहाँ करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है मुझे। ये पीडीएफ की फ़ोल्डर बनाया मैंने यहाँ पर, इसका नाम चाहे तो आप दे सकते हैं, मैं नाम दे देता हूँ इसका फ़ोटो शूट, ये नाम, और सेव कर दिया मैंने अभी। यहाँ पर देखेंगे हम प्रीसेट दिखा रहे हैं, हाई क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी, स्मॉलेस्ट फाइल साइज़ है, तो और एक है हाई क्वालिटी प्रिंट के लिए, यानी ये भी साइज यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं ये हाई क्वालिटी प्रिंट मॉडिफाई ये रहने देता हूँ, जो पहले था अपना वही रखते हैं हम। और स्टैंडर्ड वगैरह ये सब मैं नहीं कुछ करता हूँ यहाँ पर चेंज, और सीधा फिर आ जाते हैं हम कंप्रेशन में। यहाँ पर आप देखेंगे कंप्रेशन टाइप जेपीजी है, और भी ऑप्शन है, जिप वगैरह अपन बना सकते हैं फाइल, जेपीजी रखना है। अब जो मैंने साइज का बताया था आपको, इमेज क्वालिटी, यहाँ पर देखिए आप मैक्सिमम हाई मीडियम लो एंड मिनिमम दिया हुआ है। मैक्सिमम में आप अगर करते हो तो बड़ी से बड़े साइज़ की फ़ाइल बनेंगी, 200 MB, 300 MB की, बट यह जो है हम फिर इजीली शेयर नहीं कर पाएंगे ईमेल वगैरह या व्हाट्सअप में। तो सबसे पहले कम वाली हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर मिनिमम, और मिनिमम में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आएगी, बिल्कुल यानी क्वालिटी लॉस नहीं होती है इस पर, तो मिनिमम करते हैं हम। और बाकी आउटपुट में तो जैसे का वैसा रहने देता हूँ, कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं करता। सिक्योरिटी वगैरह भी, पासवर्ड वगैरह अगर आपको रखना चाहें तो यहाँ पर, या पासवर्ड अपना बना सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि सामने वाला जब डाउनलोड करे तो उसे पासवर्ड मांगेगा, आप वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर समरी वगैरह दिया हुआ है, ये मेरे काम की नहीं है, तो जो मेन काम था वो अपना इतना ही है। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ सेव पीडीएफ करता हूँ। अब एक के बाद एक जो है यहाँ पर इमेजेस ओपन होगी, बंद होगी, ये एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो रही है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, डिपेंड करता है आपकी इमेजेस की क्वालिटी के ऊपर, कितने बड़े साइज की इमेजेस है और आपकी पीसी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, और मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर सकता हूँ, बस देखता हूँ अभी कितना टाइम लग रहा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा मैं। पीडीएफ फाइल जनरेट हो चुकी है,
अब मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ फोटोशॉप को, और जहाँ पर हमने सेव किए हैं पीडीएफ फोल्डर पे वहाँ जाके देखते हैं। तो ये पीडीएफ फाइल जनरेट हो गई हमारी, और इसकी साइज़ हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़। ये बनी है 39 MB की बनी हुई है, आराम से हम शेयर कर सकते हैं इसे। और क्वालिटी देखेंगे हम इमेजेस की तो काफ़ी अच्छी है, यानी मोबाइल में तो इजीली दिख जाएगी, बड़ी स्क्रीन में भी अच्छी क्लियर दिख रही है यहाँ पे। तो इमेज की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, जबकि हमने एकदम मिनिमम रखे थे उसे, अच्छी क्वालिटी हमें यहाँ पर मिल जाती है। ये पूरा हम देख सकते हैं, कोई क्वालिटी भी लॉस नहीं है और काफ़ी अच्छी है। और सबसे मेन बात कि इतनी सारी इमेजेस को भेजना काफ़ी यानी लेंदी प्रोसेस हो जाती है, इसमें हम तुरंत यानी जनरेट करके पीडीएफ फाइल इजीली शेयर कर सकते हैं। सो मैं इसे अब बंद कर देता हूँ। तो आज का वीडियो यही था दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अगला वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे आपके लिए, तब तक के लिए बाय बाय।